नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। किसानों के लिए बड़ा अलर्ट, 25 जून तक कर ले रजिस्ट्रेशन वरना नहीं मिलेंगे 7,000 रूपए। जिरेनियम की खेती से किस्मत चमका रहे हैं गुजरात के किसान, इसके एक लीटर तेल के मिलते हैं 14,000 रूपए। जैविक खेती करने वाले किसानों को मिलेगा सम्मान, इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट से बनेगी जैविक किसानों की अलग पहचान। इन सभी खबरों पर आज के किसान बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही ग्रीन टीवी को फेसबुक पर लाइक और फॉलो करने के साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। इसी के साथ दोस्तों, आप चाहें तो ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान की मन की बात से जुड़कर अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को कम पानी वाली फसलों के प्रति प्रोत्साहित और गिरते जल स्तर को सुधारने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना को चलाया जा रहा है, जिसके लिए किसानों से उनके आवेदन मांगे गए हैं। हरियाणा सरकार ने हाल ही में ये ऐलान किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान 25 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर किसान इस योजना से वंचित रह जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार ने इस स्कीम के तहत 7,000 रूपए प्रति एकड़ अनुदान देने का प्रावधान किया है। योजना के तहत ऐसे किसान जो अब तक अपने खेतों में धान की फसल ले रहे थे, उन्हें धान की बजाय मक्का, कपास, खरीफ तिलहन, खरीफ दालें, चारा वाली फसलें और बागवानी की फसलों का उत्पादन करने पर 7,000 रूपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा, जिसके लिए संबंधित किसान अपने क्षेत्र के खंड कृषि अधिकारी कार्यालय में संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। पिछले साल इस योजना के तहत किसानों ने 96,000 एकड़ में धान की बजाय अन्य फसलों की बिजाई की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक धान की रुपाई बंद करके अन्य फसल बोने पर सरकार ने प्रति एकड़ 7,000 रूपए देने का निर्णय लिया है। गुजरात राज्य पहले ही देश भर में हीरे के कारोबार के लिए अपनी एक अलग पहचान बना चुका है और अब धीरे धीरे गुजरात के किसान भी नए नए तरीकों से खेती करके देश भर में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में एक ही किसान ने विदेशों में होने वाली जिरेनियम की खेती करके सबको हैरान करने के साथ ही लाखों का मुनाफा भी कमाया है। आपको बता दें कि बनासकांठा जिले के डीसा तहसील के भोयन गांव के किसान श्रीकांत भाई पंचाल ने अपने खेत में जिरेनियम की खेती कर हर किसी को हैरानी में डाल दिया है। 7 बीघा जमीन में उन्होंने जिरेनियम के पौधे लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिरेनियम फूलों से तेल निकालने का प्लांट भी लगाया है, जिसे आज के समय में वो लाखों रुपयों की कमाई कर रहे हैं। किसान की माने तो शुरुआत में उसे जिरेनियम की खेती में बहुत मुसीबतें आई, लेकिन कड़ी मेहनत के चलते खेत में जिरेनियम के पौधों ने उसका साथ दिया और वो इन पौधों से उगने वाले फूलों का तेल निकाल कर बेच रहे हैं, जिसके लिए उन्हें एक लीटर तेल के 14,000 रूपए मिलते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिरेनियम एक सुगंधित पौधा है, जिसके तेल की आजकल बाजार में भारी मांग है। भारत में इसकी कीमत प्रति लीटर करीब 12,000 से लेकर 20,000 रूपए तक होती है। केंद्र से लेकर सफल किसान और कृषि विशेषज्ञों तक सभी देश के बाकी किसानों को जैविक खेती करने की सलाह देते हैं, ताकि जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके और किसानों की आय में भी इजाफा हो सके। ऐसे में जैविक खेती को एक बार फिर बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की है। सरकार की माने तो रासायनिक खेती की वजह से एक तरफ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पर असर पड़ रहा है, तो वहीं मानव स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत असर दिखाई देता है। इसलिए सरकार जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए अब जैविक खेती करने वाले किसानों को इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR की निगरानी में पतंजलि के दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट ने किसानों का पंजीकरण शुरू किया है, जिसके चलते किसान 3 साल बाद के बाद सर्टिफिकेट मिलने के बाद अपने उत्पाद कहीं भी बेच सकते हैं। इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लेने और योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान भाई स्क्रीन पर दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।
अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।